हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। नया ब्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। ये जो ब्लॉग है वो नेताजी मेला के बारे में है। ये देखेंगे कि नेताजी मेला में क्या कुछ आया है, सब कुछ जो इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और ब्लॉग को एंड तक देखने के बाद आप इस वीडियो को यानी ब्लॉग को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह का ब्लॉग्स हमेशा देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फटाफट से ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने घर या घर के नीचे ही हूँ, और साथ में मेरा स्कूटर भी मैंने नीचे उतार लिया है। चले, थोड़ा काम वगैरह है टाउन में, उसी को निपटाने के बाद सुब्रजीत भी आएगा और उसको लेके जो है नेताजी मेला में जाने वाला हूँ। तो वहाँ पर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट नेताजी मेला के गेट के सामने। तो फाइनली गाइस, सुब्रजीत भी आ गया है और अभी मेला के सामने हूँ और गेट भी आपको दिखाता हूँ। तो पहले स्कूटी पार्क करते हैं, उसके बाद आपको गेट दिखाता हूँ मेला का। ये देखिए दोस्तों, ये रहा मेला का गेट। बहुत ही सुंदर गेट यहाँ पर सजावट किया गया है, डेकोरेशन भी बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर गेट यहाँ पर बनाया गया है मेला का। और थोड़ा आगे चल के भी देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए बाहर कुछ दुकानें यहाँ पर लगा हुआ है। और फिलहाल यहाँ पर मेला का जो मेन गेट है, जी हाँ, मेला का जो मेन गेट है उसके सामने आ गया हूँ। तो चलिए अंदर जाके भी देखते हैं। और पहली तरफ आके यहाँ पर देखने को मिलता है ट्रेन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन देखने को मिल रहा है। पहले सबसे पहले इस तरफ ट्रेन है, और शायद आपको मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा, खाना वगैरह चल रहा है। यहाँ पर डांस वगैरह भी है, यहाँ पर देख सकते हैं हेलीकॉप्टर भी आ गया, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं।
हाँ जी हाँ जी, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, कलाकार तैयार है, कलाकार बाबू तैयार हो गए हैं। हाँ कलाकार बाबू तैयार हो गए, इधर देखिए इधर देख रहे हैं हम लोग। ए देख रहे हैं कहाँ से आए हैं, सिलचर से, सिलचर से आए हैं, ऐसा आपका सब पड़ोसी है। ए देखिए ए नागिन की तरफ हाथ उठा रहे हैं। देखिए आगे कलाकार, ये कलाकार ना जीने की गम करते हैं ना मर जाने की परवाह, जाकर देखिए कैसे जिंदगी मौत से कंपटीशन करते हैं, अर्जन से ही मारुति कार पे सो जाते हैं, तुमको मार मार के फूल बना देंगे। इधर आ गया, ये तो आ गया, ये तो अनुकूल है। चलिए जल्दी आप लोग देखना, जल्दी चालू होने जा रहा है। हाँ तीन तीन मारुति कार चलेगा, तीन मारुति और साथ में चलेगा मोटरसाइकिल खटखटिया, हटर हटर जाना मटर। हाँ जाकर देख रही है, जल्दी जाइए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर कलाकार जी, हाँ जॉइंट व्हील भी आया है और कलाकार वाले तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मारुति कार मोटरसाइकिल वाले कलाकार तैयार हो चुके हैं, पर प्राइस कुछ ज्यादा ही है। हाँ चलिए जल्दी जाइए आप लोग, जल्दी चालू होने जा रहा है। टोरा टोरा चल चलाए जा रहा है, लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उधर लिखा हुआ है सामने टिकट काउंटर में जाके बहुत ही मजा बच्चों के लिए, इसका मजा ले सकते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं ना वो डोरा डोरा, उसके बाद चाइल्ड व्हील, एक नाव वगैरह है, सभी आपको निकल लिया और इधर जितने भी गली वगैरह वो भी चप्पल का भी यहाँ पर चप्पल है, शूज इनका भी दुकान खुला हुआ है, यहाँ पर खुला है मेला, सब कुछ 150 रुपये यहाँ पर 150 रुपीज़ देखने को मिल रहा है, फिक्स्ड प्राइस है। और इस साइड में
₹250 ₹200 इस साइड का ₹300 ओके सब कुछ का प्राइस फिक्स्ड है तो किसी भी चीज़ का प्राइस ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता सब कुछ लग रहा है फिक्स्ड किया गया है बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा प्राइस कम करने का मौका ही नहीं मिलेगा आपके जितने प्राइस में उतने प्राइस में ही खरीदना पड़ेगा अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आता है तो और ख़रीदने का मन होता है तो उसी प्राइस में ही खरीदना पड़ेगा फिक्स लिखा हुआ है सब्सक्राइब करने के लिए यस आई एम हियर अगेन एंड हियर इज माय सेकंड ब्लॉग विथ हिम ही इज वेरी फेमस सो प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल एंड डू शेयर लाइक्स एंड गाइस आलू लिखी के साथ और एक क्लासमेट मिल गया ये देखिए ये रुचिका तुम लोग फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में रुचिका फर्स्ट टाइम है और बहुत शर्मा रही है वेरी शाय बिकॉज़ शी इज फर्स्ट टाइम इन हिम ब्लॉग सो शी इज और बहुत शर्माती भी है। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने घर में मेला तो घूम लिया आप बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा सब चीज़ों का प्राइस बढ़ गया है जैसे कि मुझे जितना लगता है कि कोरोना से पहले या जब कोरोना था उससे पहले जब नेताजी मेला आया था तब जाके ₹30-40 ऐसा कुछ प्राइस था राइडिंग जो भी थे उनका उसके बाद ₹50 तक था पर अब ₹70-60 पे चला गया है मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों का राइडिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनका प्राइस थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है ऐसा बोल सकता हूँ ये तो आप पे मैटर करता है कि आप उसमें बैठते हैं राइडिंग के लिए या फिर नहीं मुझे तो मेला काफ़ी अच्छा लगा और बस थोड़ा प्राइस को लेके झिझक है बाकी मेला काफ़ी जम गया है और आगे भी जमेगा ऐसा लग रहा है और शायद एक महीने तक मेला जो है वो रहेगा तो अभी तक आप अगर नेताजी मेला में नहीं गए तो जल्दी से जाइए और कुछ राइडिंग करने का इच्छा है आपके अंदर तो जल्दी से जाके राइडिंग कीजिए मज़ा कीजिए मेला में बस यही बोलूँगा वैसे आप मुझे बताना कि आपको ये वाला ब्लॉग जो है वो आपको कैसा लगा जो भी है आप कमेंट में ज़रूर बताना और ब्लॉग देख के अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी ये वाला ब्लॉग जो है वो शेयर कर दीजिएगा मैं मिलता आपको किसी और अपने ब्लॉग में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।